गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो, आज का अपना टॉपिक है हृदय यानी हार्ट। सबसे पहले देखें तो देखो, हृदय एक बड़ा भावनात्मक टॉपिक है। वैसे खुद ये भावनाओं पर नियंत्रण नहीं करता है, ठीक है, वो तो ये वैसे ही बदनाम है, ठीक है। अगर हम इन क्रियाओं को देखें तो इन पर नियंत्रण केवल किसका होता है? मस्तिष्क का होता है, ठीक है। हृदय का काम केवल क्या है? रक्त को पंप करना, ब्लड को क्या करना, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना और अन्य अंगों तक शरीर से क्या करना, शरीर तक लाना, ठीक है। अगर हमें हृदय के बारे में देखें तो देखो, इसके लिए सबसे पहले एक लैटिन वर्ड यूज किया जाता है, कार्डियो। हृदय के लिए जो लैटिन वर्ड यूज किया जाता है वो क्या है? कार्डियो वर्ड यूज किया जाता है। अब इससे संबंधित जो भी पॉइंट आएंगे या जो भी क्रियाएं होंगी उनमें ज्यादातर लेटिन वर्ड कौन सा यूज होगा? कार्डियो। जैसे अगर हम इसका अध्ययन ही देखें तो कार्डियो में अगर हम लोजी शब्द जोड़ देते हैं, यानी लोगस शब्द से जो बना है, तो कार्डियोलॉजी हो जाएगा, जो क्या कहलाएगी? हार्ट की स्टडी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अपन ने देखा कि हृदय के अध्ययन को स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाई? कार्डियोलॉजी कहलाई। तो कार्डियो से ही जो इसका स्पेशलिस्ट होगा, हार्ट के बारे में जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट पाए जाते हैं उनको क्या कह देंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कह दिया जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट कह दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखें कि हार्ट उपस्थित कौन कहां पर होता है, तो जो ये हमारे चेस्ट के अंदर मध्यावकाश पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? मध्यावकाश पार्ट जो पाया जाता है, यानी मेडिस्ट्रेशियल जो पार्ट होता है, मेडिस्ट्रेशियल जो पार्ट पाया जाता है, उस पार्ट में हृदय क्या होता है? उपस्थित होता है, ठीक है। जो मेडिस्ट्रेशियल पार्ट जो पाया जाता है वहां पर क्या है? हर्ट उपस्थित होता है। अब अगर हम देखें तो लगभग जो हृदय होता है, वैसे तो हम मानते हैं कि लेफ्ट पार्ट में होता है, लेकिन इसका जो ऊपरी भाग होगा वो लेफ्ट में, जबकि जो इसका निचले पार्ट होते हैं वो लेफ्ट और राइट दोनों के मिड में, लगभग राइट वाले पार्ट तक पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी उपस्थिति माने तो हर्ट हमारे कौन से साइड माना जाता है? लेफ्ट साइड, ठीक है। अब कुछ व्यक्तियों में अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शन के तौर पर, हृदय राइट साइड में भी क्या हो सकता है? उपस्थित हो सकता है, ठीक है। देखो, कुछ व्यक्तियों के अंदर जो हृदय होता है वो लेफ्ट की जगह कहाँ पाया जाता है? राइट पार्ट में पाया जाता है। अब उस कंडीशन को एक नाम दिया गया है, डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब देखो, कार्डिया शब्द अभी बताया था आपको किसके लिए यूज होता है? हर्ट के लिए। और डेक्स्ट्रो का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? कि राइट साइड में उपस्थित होना। यानी लगभग सभी व्यक्तियों में हृदय कहाँ उपस्थित है? लेफ्ट साइड में। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें हर्ट लेफ्ट की जगह कहाँ उपस्थित होगा? राइट पार्ट में उपस्थित होगा। अगर लेफ्ट की जगह राइट पार्ट में पाया जा रहा है, तब उस कंडीशन को अपन किस नाम से जान रहे हैं? डेक्स्ट्रो कार्डिया के नाम से, ठीक है। इसके बाद अगर हम हर्ट की उत्पत्ति देखें, ओरिगन देखें, तो देखो उत्पत्ति एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से होगी? मेन पार्ट क्या आएगा? कि ये एम्ब्रियो से बनता है। जैसे जब आपको ब्लड टॉपिक बताया था तो तीन स्तर बताए थे, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मुख्य रूप से मीजोडर्म। जो मीजोडर्म पार्ट होता है ब्लड भी उससे ही उत्पन्न होता है, और मीजोडर्म पार्ट से ही किसकी उत्पत्ति होती है? हर्ट की। तो ओरिगन कहाँ से हो जाएगा, इसका उत्पत्ति कहाँ से हो जाएगी? तो ओरिगन देखेंगे तो अपन जो भ्रूण भ्रूण का, एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट होगा? मीजोडर्म जो पार्ट होगा उससे हार्ट की यानी हृदय की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, ठीक है। देखो अगर हम देखें ब्लड, डाइजेस्टिव ऑर्गन, रेस्पिरेटिव ऑर्गन, श्वसन अंग जैसे लंग्स हैं अपने, आमाशय, स्टोमक है, हार्ट है, ब्लड है, ये सभी कौन से पार्ट से बनते हैं? मीजोडर्म पार्ट से बनते हैं। ये अपन जब रिप्रोडक्शन जनन टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि कौन से पार्ट से किस अंग का निर्माण होता है, ठीक है। तो मेन यहां पर देखो, सबसे पहले
स्टडी क्या कहलाई? कार्डियोलॉजी। दूसरा पॉइंट उपस्थिति, मेडिस्ट्रेशियल जो पार्ट पाया जाता है, मध्य अवकाश जो पार्ट पाया जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा उपस्थित कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में, लेकिन कुछ कंडीशन में ये राइट साइड में भी उपस्थित हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जिसे क्या कह रहे हैं अपन? डेक्सटोकार्डिया। उत्पत्ति किससे होती है? मीजोडर्म भाग से। किससे होती है? मीजोडर्म पार्ट से। अब अगर हम देखें तो हृदय मुख्य रूप से एक विशेष प्रकार की मसल से बना होता है, ठीक है, जिनको अपन हर्ट मसल ही कहेंगे। हृदय पेशी ही नाम उनका रख दिया गया अलग से। क्या ना कहा गया इनको? हर्ट मसल्स, हृदय पेशी, जो केवल कहां पाई जाती हैं? हर्ट के अंदर ही होती है। कहां उपस्थित होती हैं? जो केवल हृदय में उपस्थित होती है। वो कहने की बातें अलग है कि हम कह देते हैं कि ये तो पत्थर दिल व्यक्ति है, अब वही हर्ट पत्थर का थोड़ी बना होगा, या हम कह देते हैं शीशे का था दिल मेरा, ठीक है, वो सब कहने की बातें, भावनाओं बहने की बातें एक प्रकार से, ठीक है। मुख्य रूप से बना किससे होगा? ये हृदय पेशियों से बना होता है। एकमात्र हमारी बॉडी की ऐसी मसल है जिसमें लैक्टिक अम्ल नहीं बनता है। किसका निर्माण नहीं होगा? लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। और आपको बताया था लैक्टिक एसिड क्या करता है? थकान और क्रेम्प उत्पन्न करता है। यानी सीधा अपन कह सकते हैं कि हर्ट के अंदर लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा है तो ये अंग कभी भी नहीं थकेगा, ठीक है, ये इसमें कभी भी क्रेम्प उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। और जिस दिन हो जाते हैं, जिस दिन इसमें थकावट होती है, उस दिन राम कथा समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने देखा स्टडी कार्डियोलॉजी लेफ्ट साइड में है, अगर राइट में हो तो क्या कहलाएगा? डेस्कटॉप कार्डिया कहलाता है। उत्पत्ति ओरिगन किससे होती है? मीजोडर्म पार्ट से। किससे बना है? हर्ट मसल्स, जिनमें क्या नहीं बनता है? लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, ठीक है। इसके बाद देखो संख्या, नंबर्स ऑफ हर्ट। अगर हम संख्या देखें तो ज्यादातर जो जीव होते हैं उन सभी में कितने हृदय होते हैं? एक ही पाया जाता है, ठीक है। तभी तो सॉन्ग में अक्षय कुमार बोलते हैं कि काश अगर ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, ठीक है। तो मनुष्य में तो सबको पता है भाई कितने होते हैं, एक पाया जाता है। लगभग सभी जीवों में क्या होते हैं? हृदय की संख्या एक होती है, ठीक है। अगर चेंबर पूछे, कई बार कुछ व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं, चेंबर जो होते हैं, कक्ष होते हैं मानव हृदय में, वो चार होते हैं। हृदय की संख्या कितनी है? एक ही पाई जाती है। अगर हम संख्या के आधार पर देखें, जो केंचुआ होता है, अर्थवर्म जो होता है, इस केंचुए के अंदर हृदय की संख्या सर्वाधिक होती है, जो पाई जाती है 8। जो केंचुआ है इसके अंदर हृदय की संख्या कितनी होती है? 8 पाए जाते हैं, जो सर्वाधिक होते हैं, हाईएस्ट होते हैं, ठीक है। अब तोड़ लो वही कितने एक तोड़ने हैं, ठीक है। अब 8 हृदय हैं, ठीक है, किसके पास? केंचुए के पास। लेकिन अब इसके साथ वैसे हुआ बड़ा अन्याय है, इस जीव के साथ भगवान ने बनाते समय इसके साथ। देखो रीजन क्या है, केंचुए के अंदर आंखें अनुपस्थित होती हैं, आई क्या होती हैं? एबसेंट होती हैं। अब बताओ भाई 8-8 हृदय का क्या करेगा जब बेचारे के पास कुछ देखने के लिए आंखें नहीं है, ठीक है। चलो इतना भी हो जाता, ठीक है, आंखें अनुपस्थित हैं, महसूस कर लेता, चलो मान ले हम, ठीक है। लेकिन ये कैसा होता है? द्विलिंगी जीव होता है, बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल, अर्थात नर व मादा दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अब बेचारे के पास 8 हृदय का कोई कार्य ही नहीं रहा, अब तो केवल ब्लड फिल्टर कर सकता है ना, सॉरी ब्लड को क्या कर सकता है? पंप कर सकता है। तो सबसे ज्यादा हृदय की संख्या किसमें होती है? केंचुए में पाई जाती है। कितनी होते हैं? 8 पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन जाते हैं हर्ट के वेट के ऊपर, यानी हृदय का भार कितना होता है, ठीक है। अगर हम हर्ट का वेट देखें तो देखो एवरेज कितना माना जाता है, एवरेज अपन मानते हैं हर्ट का वेट 300 ग्राम। एवरेज कितना माना जाता है? 300 ग्राम। अगर इसी का भार हम शिशु के अंदर देखें, चाइल्ड के अंदर देखें, तो चाइल्ड के अंदर ये मात्र 65 ग्राम का होता है, 65 ग्राम का होता है, ठीक है। ज्यादातर वैसे पूछा कितना जाता है? एवरेज ही पूछा जाता है, ठीक है, कितना है? 300 ग्राम। चाइल्ड में लगभग कितना होता है? 65 ग्राम होता है, ठीक है। अगर हम फीमेल में देखें, महिला में देखें, तो महिला में हर्ट का वेट लगभग होता है 250 ग्राम। कितना होता है? 250 ग्राम, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा कौन सा जाएगा? ये एवरेज, ठीक है। एवरेज कितना है? लगभग
300 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि सबसे बड़ा हर्ट किसके अंदर होगा, तो देखो जो सबसे बड़ा हर्ट होता है वो सबसे बड़ा हर्ट पाया जाता है ब्लू वेल के अंदर। स्तनी में है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हर्ट भी किसके अंदर होगा? ब्लू वेल के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ा हृदय किसके अंदर होता है? ब्लू वेल में। जबकि सबसे छोटा हृदय पाया जाता है छुछुंदर के अंदर, ठीक है। किसके अंदर होगा? छुछुंदर। जो छुछुंदर होता है स्त्रियों जो पाया जाता है, ठीक है, ये स्त्रियों स्मॉलेस्ट मैमल से सबसे छोटा स्तनी जीव है, जबकि ब्लू व्हेल क्या है? सबसे बड़ा स्तनी होता है। अगर हम ब्लू व्हेल के हर्ट के साइज की बात करें, तो साइज इतना बड़ा होता है कि एक वयस्क व्यक्ति उस दिल के अंदर बैठ सकता है, ठीक है। उस व्यक्ति क्या कर सकता है? एक वयस्क व्यक्ति दिल के अंदर उपस्थित रह सकता है, बैठ सकता है, आयतन इतना अधिक होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हृदय किसके अंदर होता है? ब्लू व्हेल के अंदर। और सबसे छोटा किसके अंदर होता है? श्रु अर्थात छछंदर के अंदर। तो ये तो हो गया वेट से संबंधित, ठीक है। इसके बाद अगर हमें मान लो हर्ट की मैकेनिज्म क्रियाविधि का अध्ययन करना है, हृदय की क्या पढ़नी है अपन को, मान लो क्रियाविधि का अध्ययन करना है, तो क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए हम उपकरण कौन सा यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। तो उपकरण देखा जाए, इंस्ट्रूमेंट देखा जाए, तो एक ईसीजी नाम का उपकरण यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो ईसीजी का अर्थ क्या होगा यहां पर? ई का अर्थ हमेशा यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रो। ई का अर्थ क्या होगा? इलेक्ट्रो अर्थात विद्युत की सहायता से चलेगा। सी जो वर्ड आया है वो हृदय के लिए आएगा। हृदय के लिए मैंने वर्ड क्या बताया था आपको? कार्डियो। तो सी से क्या हो गया? कार्डियो। अब देखो जो जी वर्ड है इसके दो अर्थ होते हैं। देखो दो अर्थ कैसे होंगे? अगर आपसे मैं ये कहूं कि उपकरण कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तब तो यहां पर जी का अर्थ होगा ग्राम। क्या होगा? ग्राम। यानी इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और अगर वहां पर विधि पूछ ली जाए तो क्या कह देंगे अपन? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। मेथड के लिए तो कौन सा वर्ड यूज होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और इंस्ट्रूमेंट के लिए, उपकरण के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर ये उपकरण देखा जाए तो एक इंथोवान नाम के वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? इंथोवान। इस इंथोवान नाम के साइंटिस्ट ने इसकी क्या की थी 1940 में, मुख्य रूप से क्या की थी, सॉरी 1965 में क्या की थी? इसकी खोज की थी, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये किसने खोजा था? इंथोवान ने। मेन चीज आपको इसका पूरा नाम याद रखना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो इंस्ट्रूमेंट है, और मेथड अगर अध्ययन की विधि पूछे तो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं हृदय के जो आर्टिफिशियल हर्ट भी क्या किया जा चुका है, बनाया जा चुका है, जिस चीज से एक चीज स्पष्ट हो जाती है भाई कि अगर मान लो हमारी फीलिंग्स आदि पर इसका कंट्रोल हो हृदय का, ठीक है, वो बोल देते हैं भाई दिल तोड़ दिया है, उसकी याद दिल में बसी हुई है, ठीक है, और दिल को वैसे ही बदनाम करते हैं अपन। अगर मान लो इन चीजों को हर्ट कंट्रोल करे, तो आर्टिफिशियल हर्ट लगाने पर ये सभी चीजें क्या होनी चाहिए? प्रभावित होनी चाहिए, ठीक है। जबकि आर्टिफिशियल हर्ट बना भी दिया गया है और उसका मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंट या ट्रांसप्लांट भी किया जा चुका है, ठीक है। तो हम इसके बाद देखेंगे आर्टिफिशियल हर्ट के बारे में, उससे पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगर हम सबसे पहले देखें आर्टिफिशियल जो हर्ट बनाया गया था, आर्टिफिशियल हर्ट बनाया गया था सर्वप्रथम 1940 में। ये देखो वैसे तो एक ही वैज्ञानिक को अपन ज्यादातर जानते हैं, लेकिन मेन देखो कौन से थे? एक तो जॉन कॉल्फ नाम के वैज्ञानिक थे, जॉन कॉल्फ, और दूसरे थे रॉबर्ट जारविक। इन दो वैज्ञानिकों ने बनाया था सर्वप्रथम जो आर्टिफिशियल हर्ट है, कृत्रिम हृदय है, वो किसने बनाया था? जॉन कॉल्फ और रॉबर्ट जार्विक। मेन क्या आता है इसमें? रॉबर्ट जार्विक।
अब देखो, इन्होंने उस हृदय का नाम रख दिया। हर्ट का नाम क्या रखा? इस जार्विक साइंटिस्ट के नाम के आधार पर ही उस हृदय का नाम रखा जार्विक सेवन। क्या नाम रखा? जार्विक सेवन। तो सबसे पहला, कई बार देखो सीधा ये पूछ लेते हैं कि जार्विक सेवन क्या है, एक आर्टिफिशियल हर्ट है। या मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहला कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हर्ट किसके द्वारा बनाया गया, तो पहला कृत्रिम हृदय बनाने वाले वैज्ञानिक कौन से हो जाएंगे? रॉबर्ट जार्विक। और नाम क्या रखा गया था? जार्विक सेवन। वैसे देखो ये पूछा नहीं गया है, लेकिन केमिस्ट्री में कई बार पूछ लेते हैं कि आर्टिफिशियल हर्ट बनाने के लिए किस मेटल का, धातु का यूज किया जाता है। तो जो ये आर्टिफिशियल हर्ट बनाए जाते हैं, इसके लिए टाइटेनियम तो हम क्या यूज करते हैं? मेटल धातु। कौन सी धातु का यूज किया जाता है? टाइटेनियम का यूज किया जाता है। और पॉलीयूरेथीन नाम की एक प्लास्टिक पाई जाती है। पॉली का अर्थ वैसे अनेक होता है, पॉली यूरेथीन नाम की क्या होती है? एक प्लास्टिक होती है। इस प्लास्टिक का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल हर्ट को बनाने में। ठीक है, तो टाइटेनियम धातु और पॉली यूरेथीन नाम का जो प्लास्टिक होता है, इन दोनों का उपयोग किया जाता है किसको बनाने के लिए? कृत्रिम हृदय को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने देखा कि कृत्रिम हृदय बनाया किसके द्वारा गया? जॉन कोल्ब और रॉबर्ट जार्विक के द्वारा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमने देखा कि बना किससे होता है? टाइटेनियम धातु और पॉली यूरेथेन प्लास्टिक से। ठीक है, इसके बाद अगर हम ट्रांसप्लांट से संबंधित देखें, क्योंकि हर्ट का देखो ट्रांसप्लांट भी किया जा चुका है, अगर ट्रांसप्लांट के बारे में देखा जाता है तो देखो सबसे पहले 3 दिसंबर 1967 को हर्ट का क्या किया गया था? ट्रांसप्लांट किया गया था। ठीक है, अब देखो 3 दिसंबर 1967 को ट्रांसप्लांट करने वाले केवल साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है, और साइंटिस्ट कौन से थे इसको ट्रांसप्लांट करने वाले? डॉक्टर क्रिश्चियन बनार्ड, सी बनार्ड। इन्होंने केप टाउन अफ्रीका में क्या किया था? केप टाउन कहां पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। यहां पर फर्स्ट हर्ट का क्या किया था? ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, और ये मुख्य रूप से एक वासेंस क्वर्थ नाम के, वासेंस क्वर्थ, ठीक है, 54 वर्ष के लगभग एक व्यक्ति थे वासेंस क्वर्थ नाम के, उनमें इन्होंने हर्ट का क्या किया था? ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण, सफल प्रत्यारोपण, ठीक है, सक्सेसफुल हर्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? सी बनार्ड ने। आपको ने तो ये नाम याद रखना है, केवल क्या पूछा जाता है? सी बनार्ड। कहां पर किया गया? केप टाउन अफ्रीका में। तो पहला हृदय का प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को हुआ, जो किसने किया था? सी बनार्ड ने। कहां पर किया था? केप टाउन अफ्रीका में। किस व्यक्ति में? वासेंस क्वर्थ नाम के एक 54 वर्षीय व्यक्ति थे, इनमें किया गया था। लेकिन ये याद रखना, इससे पहले भी हर्ट ट्रांसप्लांट किया जा चुका था। ठीक है, इससे पहले एक लेडीज में किया गया था, और वो मुख्य रूप से आर्टिफिशियल हर्ट था, एक प्रकार का क्या था? आर्टिफिशियल हर्ट था। और वो सबसे बड़ी उस हर्ट की देखो खूबी क्या थी, उस हर्ट को बॉडी में नहीं लगाया गया था। ठीक है, वो एक प्लास्टिक के बैग के रूप में पीठ पर लगाया जाता है, जो 2 बैटरियों की सहायता से चलता है, एक बैकअप के तौर पर होती है। तो किस्मत खराब तो हो, मुख्य रूप से बैकअप वाली बैटरी भी क्या कर सकती, बंद हो सकती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से सबसे पहला प्रत्यारोपण किसने किया है? सी बनार्ड में। अब देखो, जब विदेशी भाई ये काम कर सकते हैं, तो भारतीय तो किसी चीज में पीछे होते ही नहीं है। तो भारत में भी सफल प्रत्यारोपण किया जा चुका है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में देखो डे सेम होगा, 3 अगस्त, ठीक है, 3 दिसंबर को पहला हुआ था, और भारत में 3 अगस्त को हुआ था 1994 में। ठीक है, दिल्ली एम्स में किया गया था ये। कहाँ किया गया था? दिल्ली एम्स में। और इसको करने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर वेणु गोपाल। कौन से थे? डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा सबसे पहला हर्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। कहां पर? भारत के अंदर। ठीक है, अब अगर यहां पर भारत के बारे में ही देखें, तो देखो भारत पीछे किसी चीज में नहीं रहता है, सबको पता है। ठीक है, अगर हम देखें तो
तो सबसे पहला हर्ट किसने बनाया? जारविक सेवन बनाया गया था, जारविक द्वारा और जॉन कॉर्फ द्वारा। पहला प्रत्यारोपण सी बर्नार्ड ने, भारत में पहला डॉक्टर वेणुगोपाल ने। देखो अगर किडनी पूछी जाए, आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम वृक्क, ठीक है, आर्टिफिशियल या कृत्रिम किडनी पूछी जाए, वृक्क पूछा जाए, तो इसको बनाने वाले भी क्या है? भारतीय। अब इनका नाम देखो, साइंटिस्ट के नाम सबसे बड़ी समस्या होती है याद रखना। इसको नाम को कैसे याद रखो? देखो किडनी में पथरी हो जाती है तो दर्द उत्पन्न होता है। आप ऐसे याद रख लो कि सुबह सुबह ज्यादा दर्द होता है एक तरह से, ठीक है, तो सुबह सुबह दर्द होता है, तो किडनी जो पथरी का दर्द होता है भयानक होता है, तो रोते हैं एक तरह से। क्या रोए? सुबह रोए। और डॉक्टर का जो नाम है, साइंटिस्ट का जो नाम है, वो भी क्या है? डॉक्टर सुबह रोए। क्या है? सुबह रोए। अब सुबह सुबह नहीं रोए, नाम है साइंटिस्ट का, क्या हुआ? सुबह रोए। कृत्रिम किसने, किडनी किसने बनाई? डॉक्टर सुबह रोए ने। इसके बाद अगर हम देखें तो कृत्रिम जो पैर है, आर्टिफिशियल जो फुट है, वो भी इंडियन के द्वारा बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, वो तो अपने राजस्थान के ही है, ठीक है, राजस्थान के हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल पैर बनाया था सर्वप्रथम, और उसका नाम है डॉक्टर पीके सेठी। सेठी का सेट करो इसको, ठीक है, डॉक्टर पीके सेठी अभी जयपुर के थे लगभग, तो इन्होंने उस पैर का नाम भी क्या रखा? जयपुर फुट। क्या नाम रखा था? जयपुर फुट। तो आर्टिफिशियल फुट, आर्टिफिशियल किडनी, ये दोनों ही इंडियंस ने बनाई है। फुट तो किसने बनाया? डॉक्टर पीके सेठी ने। और आर्टिफिशियल किडनी बनाने का काम सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर सुबे रॉय के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये हर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसके बाद अपन हर्ट की स्ट्रक्चर है या चैम्बर्स कितने पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को भी कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, थैंक यू।